हेलो स्टूडेंट, दिस इज थर्ड लेक्चर ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, टुडे वी एक्सप्लेन अबाउट अ माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्क्राइब द माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आज हम जितने भी स्टेट है उन सभी स्टेट के उन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्क्राइब करेंगे जिसके कारण किसी का सॉलिड का फिक्स मास, वॉल्यूम, रिजिड, कंप्रेसिबिलिटी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं स्टेट में वो क्यों होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। सो लेट स्टार्ट अ माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड अ डिफिनिट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल्स आर लॉक्ड इन टू प्लेस। क्या कहा जाता है कि जो सॉलिड होते हैं, ठीक है, उनके डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम होते हैं। क्यों उनके डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम होते हैं? क्योंकि जो उनके पार्टिकल होते हैं वो एक ही जगह पे लॉक होते हैं, उनके पार्टिकल में मूवमेंट नहीं होता है। दूसरी बात, सॉलिड डू नॉट फ्लो ईजली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव स्लाइड पास्ट वन एनोदर। अब क्या होता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल है मूव नहीं करता है। आपने देखा होगा किसी भी सॉलिड को कहीं पर भी आप रख देते हो तो वो जैसे के तैसे वहीं पे होता है, वहीं पे रहता है, मूव नहीं करता है। अब ऐसा क्यों होता है कि सॉलिड के पार्टिकल में मूवमेंट नहीं होता है, वो फ्लो नहीं करते हैं? क्योंकि ठीक है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड या मूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मूव और स्लाइड होने के लिए स्पेस चाहिए उनके बीच में, ऐसा होता नहीं है। सॉलिड आर नॉट इजली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज अ लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल। जो सॉलिड होता है वो बहुत ही जो सॉलिड होता है वो इनकम्प्रेसिबल है, मतलब वो कंप्रेस नहीं हो सकता है। अब कंप्रेस क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज देयर इज अ लिटिल स्पेस बिटवीन देम। लिटिल लिखा गया है यहाँ पे, बट एक्चुअली में सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में नेग्लिजिबल स्पेस होता है, लगभग 9 के बराबर उनके बीच में स्पेस पाया जाता है। दैट मीन्स कि स्पेस नहीं होता है। जब स्पेस नहीं होगा, अगर सपोज दैट कि कहीं जगह अगर इस उंगली के बीच में स्पेस है, तभी ना इस उंगली को दबा के हम क्या कर दिए, ये दो सटा दिए, स्पेस को कम कर दिए। लेकिन जब इनके बीच में स्पेस ही नहीं है और तब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो होगा नहीं। दैट मीन्स कि सॉलिड के जो पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस नहीं होता है, इसीलिए वो उनको हम लोग एक कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अब हम जो प्रॉपर्टीज लिक्विड के होते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए, लिक्विड आर नॉट इजली कंप्रेसिबल एंड हैव अ डिफिनिट वॉल्यूम बिकॉज देयर इज अ लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल। अब जो लिक्विड होते हैं वो इजली कंप्रेस नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि इजली कंप्रेस नहीं होते हैं और इनका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है कि डिफिनिट होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में लिटिल फ्री स्पेस, मतलब अगर सॉलिड की तुलना में देखा जाए तो लिक्विड में जो स्पेस होते हैं पार्टिकल के बीच में, ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा ज़्यादा होता है बट वो इतना भी नहीं होते हैं कि वो उनको कंप्रेस कर सक ले, हम लोग इजली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत स्पेस होता है, दैट मीन्स कि उनके पार्टिकल बीच में के बीच में अट्रैक्शन होता है, इसलिए उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड फ्लो इजली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर। अब जो लिक्विड है वो इजली मूव करते हैं, लिक्विड फ्लो इजली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर। जो लिक्विड है वो एक दूसरे के ऊपर इजली क्या करते हैं, उनके पार्टिकल्स क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, ठीक है। और इसीलिए लिक्विड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। लिक्विड के फ्लो करने के पीछे कारण क्या है कि उनके पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर मूव या स्लाइड कर पाते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। अब गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। गैस आर इजली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल। ये बहुत आसानी से कंप्रेस हो सकता है, तभी ना हम लोग सिरिंच लेते हैं, उसके पिस्टन को घिसते हैं, हवा भर जाता है, बंद करते हैं और पिस्टन को अंदर करते हैं तो वो अंदर की तरफ जाता है। दैट मीन्स कि कंप्रेस होता है। क्यों? कि गैस इजली कंप्रेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब गैस फ्लो वेरी इजली बिकॉज द पार्टिकल्स रैंडमली मूव पास्ट वन एनोदर। अब गैस को आप इजली क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हैं, वो हो गया। साथ ही साथ ये इजिली फ्लो भी करता है। फ्लो क्यों करता है? क्योंकि इनके पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। गैस है इनडिफिनिट शेप एंड
एन इनडिफिनिट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल कैन मूव फास्ट वन अंदर एन अदर। इनका ना ही शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है क्योंकि इनके पार्टिकल बहुत तेजी से इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। तो जब पार्टिकल का मूवमेंट होगा तो इनके पार्टिकल बाइंड नहीं होंगे तो वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा, और जब पार्टिकल का मूवमेंट होगा पार्टिकल बाइंड नहीं होंगे तो शेप भी उनका फिक्स नहीं होगा। अब चलिए बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा। अब माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो क्या होता है, प्लाज्मास हैव एन इनडिफिनिट शेप एंड एन इनडिफिनिट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव पास्ट वन अनदर। ठीक है, प्लाज्मा हैव एन इनडिफिनिट शेप एंड एन इनडिफिनिट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव पास्ट वन अनदर। अब प्लाज्मा जो होते हैं उनके जो पार्टिकल उनके जो शेप होते हैं या जो उनके वॉल्यूम होते हैं वो इनडिफिनिट होते हैं। अब इनडिफिनिट पार्टिकल क्यों होते हैं, क्यों, बिकॉज द पार्टिकल कैन मूव पास्ट वन अनदर, क्योंकि इनके भी जो पार्टिकल है वो मूव करते रहते हैं, इसलिए इनका शेप और इनकी वॉल्यूम इनडिफिनिट होता है। प्लाज्मा आर वेरी कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डील्स ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल। ये भी बहुत आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि इनमें भी स्पेस, इनके पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें तो सबसे कम और न के बराबर इसमें, उससे ज़्यादा स्पेस लिक्विड के पार्टिकल में, उससे ज़्यादा स्पेस गैस के पार्टिकल में, सबसे ज़्यादा स्पेस प्लाज्मा के पार्टिकल्स के बीच में होता है। इसीलिए क्या होता है कि इनका शेप और वॉल्यूम इनडिफिनिट होता है, ये इजिली कंप्रेस हो जाते हैं। प्लाज्मा आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आर अफेक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दे आर कंपोज ऑफ लेंस। ठीक है, अब क्या कहते हैं, जो प्लाज्मा होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों, क्योंकि उनके जो पार्टिकल होते हैं वे तो आयनाइज्ड होते हैं, और जो आयन्स है यानी चार्ज पार्टिकल है वो ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट कर पाएंगे, इसीलिए प्लाज्मा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। बेसिकली जो प्लाज्मा होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं, यानी जो एटम हाईली हीट करने के बाद जो उनमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और जो चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद जो एटम चार्ज हुए वही स्टेट उनका प्लाज्मा कहता है। दोनों इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में काफ़ी मदद करते हैं। चलिए माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर ए प्रॉपर्टीज ऑफ बीईसी। बीईसी मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पार्टिकल्स आर लेस एनर्जेटिक दैन सॉलिड बिकॉज एग्जिस्ट एट अ वेरी लो टेम्परेचर। इनके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही ना, अगर हम पांच स्टेट की बात करते हैं तो सबसे कम एनर्जेटिक स्टेट कोई होता है तो बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, क्योंकि इन ये एग्जिस्ट ही करते हैं बहुत कम टेम्परेचर पे। दैट मीन्स कि इनमें एनर्जी कम होता है। ठीक है, पार्टिकल्स आर लिटरली इनडिस्ट्रीब्यूसिबल बिकॉज दे आर लॉक इन टू सेम प्लेस सेम स्पेस। ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन इनके शेप में नहीं हो पाता है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल एक जगह लॉक होते हैं। और ये आगे बात करते हो, बी ई सी शो सुपर फ्लूडिटी बिकॉज पार्टिकल्स कैन फ्लो विदाउट फ्रिक्शन। इनमें जो फ्लूडिटी है वो बहुत ही क्या है, ज़्यादा होता है, ये बिना फ्रिक्शन के भी फ्लो कर सकते हैं। दूसरी अगर बात करते हैं इनके पार्टिकल्स के बीच में, जैसे इस प्रॉपर्टी की थोड़ा सा हम बात करते हैं और से सेकेंड नंबर पर, इसमें एक चीज़ कहा गया है कि अगर इनके पार्टिकल ऐसे होते हैं कि इनके पार्टिकल के बीच में थोड़ा थोड़ा भी स्पेस नहीं होता है, और बिल्कुल ही इनके पार्टिकल एक तरीके से क्या होते हैं, फुल्ली लॉक्ड होते हैं, एक जगह लॉक्ड होते हैं, किसी भी प्रकार के उनके पार्टिकल के शेप में कोई चेंज नहीं आता है। इस तरीके से आज हम माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट स्टेट के बारे में बात किए। अब नेक्स्ट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, this is fourth lecture of matter in our surrounding of class 9. today we start interchange in state of matter. aaj hum padhenge ki kaise aur kaise basically matter ka jo state hota hai wo change hota hai. theek hai, to let start interchange in state of matter. water can exist in three state of matter. water jo hota hai wo teen state mein आपका एग्जिस्ट करता है, सॉलिड के रूप में, वो सॉलिड के स्टेट में एज ए आइस रूप में होता है, लिक्विड एज ए वाटर जो हम लोग देखते हैं उसमें, गैस एज ए वाटर वेपर के रूप में, यानी जो आपका वाटर है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के रूप में सॉलिड,
में, आइस के रूप में, लिक्विड वाटर के रूप में, गैस वाटर वेपर के रूप में। ओके चलिए हम आपको एक टॉपिक बताते हैं, सब्लिमेशन। व्हाट इज अ सब्लिमेशन? द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ वेपर ऑन हीटिंग एंड अ वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। दैट मीन्स कि जो सॉलिड का सॉलिड डायरेक्टली जब वेपर में चेंज होता है हीट करने पर, या वेपर डायरेक्टली चेंज होता है सॉलिड में कूल करने पर, उस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं। चलिए इसके एग्जांपल में कौन कौन ऐसे सब्सटेंस है जो सब्लिमेट है, ठीक है, यानी वो सब्सटेंस जिसमें सब्लिमेशन होता है उसे हम लोग सब्लिमेट भी कहते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर हो गया, आयोडीन हो गया। अब कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड को आप जब हीट करते हो वो तो डायरेक्ट लिक्विड में जाए बिना वो गैस में चला जाता है, और उस अमोनियम क्लोराइड को गैस में अगर है और उसको कूल करते हो तो वो आपका लिक्विड में गए बिना वो गैस डायरेक्ट सॉलिड में चलाता है। ऐसा ही कैम्फर और आयोडीन के साथ होता है। अब आगे हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर स्टेट के ऊपर, यानी जो स्टेट है उस स्टेट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग अ सॉलिड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड एंड द कंडीशन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग द चेंज। जो इफेक्ट होता है टेम्परेचर का वो किस सॉलिड पे क्या होगा ये डिपेंड करता है उस सॉलिड के नेचर पे और जो कंडीशन है उस पे, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉलिड का द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेस, तो जो सॉलिड के पार्टिकल उनका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है बढ़ जाता है। विच ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल देयर बाय सॉलिड मेल्ट एंड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। क्या होता है कि जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो उनके पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने लगता है, चूंकि इंक्रीज करने से टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होने लगता है। जैसे ही पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुआ पार्टिकल मूव करने लगते हैं और वो सॉलिड से लिक्विड में चले आते हैं। अगर ये टेम्परेचर आप कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते जाओगे तो लिक्विड से गैस में भी हो जाएंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ेगा और पार्टिकल सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चले आएंगे। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू कम बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि वह तापमान जिस तापमान पे सॉलिड पिघल कर लिक्विड में बनता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब जिस तापमान पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर पे वो तापमान उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। मेल्टिंग पॉइंट आइस का होता है 273.16 केल्विन। ओके द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड। प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। अब इसको हम लोग फ्यूजन भी कहते हैं। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। मतलब वह प्रक्रिया जिस मेल्टिंग की वह प्रक्रिया जिसमें सॉलिड स्टेट परिवर्तित हो जाता है लिक्विड स्टेट में फ्यूजन कहलाता है। ओके अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ मैटर। आप अगर प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो भी मैटर का स्टेट चेंज होगा। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। अगर आप प्रेशर को अप्लाई करते हो और टेम्परेचर को रिड्यूस करते हो, ठीक है, तो आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। दैट मींस कि अगर कोई गैस है उसमें प्रेशर अप्लाई करते हो और टेम्परेचर को क्या करते हैं रिड्यूस करते हो तो वो जो गैस है वो लिक्विड में चेंज होने लगेगा। चलिए हम बात करते हैं सॉलिड CO2 इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर। जो सॉलिड CO2 होता है जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं उसको हाई प्रेशर के अंदर स्टोर किया जाता है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर टू वन एटमोस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। जब हम सॉलिड CO2 को हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं और उसके प्रेशर को जैसे ही रिलीज करते हैं यानी प्रेशर को कम करते हैं
ठीक है, तो वो जो सॉलिड CO2 है वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड में आए बिना। मतलब जैसे आपने सिलेंडर में देखा होगा जो घर में सीएनजी है, वो सीएनजी के अंदर जो गैस रहता है वो भी तो लिक्विड के अंदर होता है, लिक्विड के रूप में होता है। जो गैस होता है उसको कंप्रेस करके उसमें हम फिल किए जाते हैं। जैसे ही नॉब को, सिलेंडर के नॉब को हम लूज करते हैं तो उस समय क्या होता है, प्रेशर लूज होता है, और प्रेशर जैसे ही लूज होता है तो जो अंदर का है वो सब लिक्विड के रूप में बाहर चला आता है। यानी वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को लूज कर रहे हैं, गैस को कंप्रेस करके लिक्विड के रूप में स्टोर किया हुआ है। जैसे ही प्रेशर लूज करते हैं तो वो लिक्विड गैस में चला आता है। लेकिन यहाँ सॉलिड CO2 सॉलिड के रूप में होता है जब उसको हम हाई प्रेशर लगा के किसी कंटेनर में स्टोर करते हैं, और जब उस प्रेशर को रिलीज करते हैं, लॉस करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो वो सॉलिड CO2 लिक्विड में गए बिना डायरेक्ट गैस में चला आता है। ठीक है, दिस इज द रीजन दैट सॉलिड CO2 इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। यही कारण है कि सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस क्यों कहते हैं, क्योंकि सॉलिड CO2 एक्चुअली में स्टोर होता है हाई प्रेशर पे, और जब उसके प्रेशर को रिड्यूस करते हैं तो सॉलिड CO2 क्या हो जाता है, सॉलिड CO2 डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। यही कारण है कि उसको हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। ओके, थैंक यू।